हेलो एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज गुरु नीति के एपिसोड 6 में मैथमेटिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड 20 प्रॉब्लम्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं चंद्र प्रकाश मैसेप रिंकेश कुमार गुप्ता। आइए बच्चे शुरू कर दें। तो चलिए सर फर्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू लैम्डा होल्ड फोर्स फ्रॉम थीटा। मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे उसके लिए अपने को लैम्डा क्या लेना है। तो ऐसे क्वेश्चन का बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं वो ऑलरेडी है, सारे वेरिएबल दूसरी तरफ है। अब इस वेरिएबल जो टर्म है इसकी रेंज निकाल लो, ये लैम्डा इस रेंज में होगा तो ही सॉल्यूशन आएगा। तो अपना को करना क्या है कि इस टर्म की रेंज निकालनी है। अब यहाँ देखिए ये टेन थीटा ये सेक थीटा है, दोनों को अपन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदल लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस प्लस सेक थीटा, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू दिस, क्वाड्रेटिक बन गया ही, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं ताकि हम आसानी से रेंज देख सकें। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर अपन बनाएंगे देखो तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस 1 बाय 2 हाफ का स्क्वायर, और ये बनाने के लिए अपने को 1 बाय 4 ऐड करना पड़ेगा तो उसको फिर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, राइट। तो कितना हो जाएगा ये माइनस 5 बाय 4। ओके, अब बारी सोचने की है। देखो sec थीटा की जो रेंज होती है बच्चों वो क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी, करेक्ट। अब अपन उसमें प्लस हाफ कर दे, यानी कि सेक थीटा प्लस हाफ कर देता हूं तो ये रेंज हो जाएगी माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ यूनियन थ्री बाय टू से इंफिनिटी, और अगर इसका स्क्वायर करें हम सेक थीटा प्लस हाफ का स्क्वायर तो देखो क्या होगा। इस टर्म का स्क्वायर करने पर आपको रेंज मिलेगी 1 by 4 से इनफाइनाइट, और इसका स्क्वायर करोगे तो मिलेगी 3 by 4 से इनफाइनाइट, जो ऑलरेडी इसके अंदर ही आ रही है, उसको अलग से लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये आ गया अपने पास। अब देखिए इस रेंज को यहाँ यूज कर लेते हैं। तो इस टर्म का मिनिमम वैल्यू यानी लैम्डा होना चाहिए, देखो तो मिनिमम कब आएगा, जब ये 1 by 4 होगा तो 1 by 4 माइनस 5 by 4 ये बन गया माइनस 1, और मैक्सिमम तो ये इनफाइनाइट को चली जाएगी। तो अगर हम लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 या उससे ज्यादा लेंगे तो ही अपने को यहाँ पे सॉल्यूशन मिल पाएंगे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन 0 से पाई बाय 2 सेटिस्फाई द इक्वेशन रूट 3 माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन कोस एक्स इक्वल टू 4 रूट 2। एक सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो देखो क्या करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको साइन कोस एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो दिस इज रूट थ्री माइनस वन इंटू कोस एक्स कोस एक्स प्लस रूट थ्री प्लस वन साइन एक्स और इक्वल टू आ गया फोर रूट टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स कोस एक्स। अब इधर देखें ये अपन को पता होना चाहिए कि साइन कोस प्लस में हूं आप, तो ट्राई करें इसको साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करने की। तो देखो बेटा ये जो रूट थ्री माइनस वन और रूट थ्री प्लस वन है इसके डिनोमिनेटर में अगर टू रूट टू प्रेजेंट हो तो ये या तो कॉस फोर कॉस 15 या साइन 15 की वैल्यू में अपन इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते। तो क्या करें आप इसको टू रूट टू से डिवाइड कर दें आप, तो एक तो इसके डिनोमिनेटर में टू रूट टू इधर डिनोमिनेटर में टू रूट टू और इधर टू रूट टू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो जब आप इसको टू रूट टू से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ गया रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू। तो देखो इधर जब टू रूट टू कॉमन लोगे तो ओनली आ गया टू साइन एक्स कोस एक्स दिस इज साइन टू एक्स। तो ट्राई करो कि लेफ्ट पार्ट को भी साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की। तो देखो कोस के साथ साइन लाना है और साइन के साथ कोस, तो अपॉन में जब टू रूट टू लोगे आप तो इसको साइन में किसकी वैल्यू लोगे साइन 15 की, साइन 15 की वैल्यू क्या होगी रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू। तो देखो साइन 15 कोस एक्स प्लस और दिस इज cos 15 sin x इक्वल टू इधर आ गया 2 sin cos दिस इज sin ऑफ 2x। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया sin a cos b plus cos a sin b, तो ये आ गया sin ऑफ a plus b का फॉर्मूला। तो sin x plus 15. x plus pi by 12 तो 15 का मीनिंग pi by 12 लिख सकते हैं इक्वल टू sin ऑफ 2x। तो देखो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा देन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन एल्फा, तो ये आ गया एक्स प्लस पाई बाई ट्वेल्व इक्वल टू
एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू टू एक्स, और एन इसमें क्या इंटीजर है। तो देखो आपको जीरो से पाई बाई टू में देखना है कि किस वैल्यू को क्या करता है सेटिस्फाई। तो सिंपल, तो देखो इसमें आप एन को फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो पुट करो, तो देखो एन को जीरो पुट करने पे क्या आने वाला है, इफ एन इक्वल टू जीरो, तो जीरो पे ये जीरो आ गया, माइनस वन की पावर जीरो वन, तो ये आ गया एक्स प्लस पाई बाई ट्वेल्व इक्वल टू टू एक्स, तो एक एक्स कैंसिल, तो एक्स आ गया पाई बाई ट्वेल्व, मतलब 15 डिग्री आंसर आ गया एक तो, बट ऑप्शन में पाई बाई ट्वेल्व है ही नहीं इसमें, तो अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। इफ एन को आप 1 कंसीडर करोगे तो देखो क्या आने वाला है, तो चलो 1 पुट करो, तो पाई माइनस टू एक्स, क्योंकि एन को 1 लेने पे माइनस 1 माइनस 1, तो पाई माइनस टू एक्स, तो टू एक्स को लेफ्ट में लेके आओ तो 3x आ गया, और पाई में से जब 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे आप पाई माइनस पाई बाई ट्वेल्व, दिस इज 11 पाई बाई ट्वेल्व, तो ये आ गया 3x इक्वल टू 11 पाई बाई ट्वेल्व, देन x इक्वल टू 11 पाई बाई 36, और देखो पाई बाई 36 की वैल्यू होती है 5 डिग्री, तो 11 इंटू 5 इज 55 डिग्री, तो ये आपके 0 से पाई बाई 2 में लाइक करेगा, तो एक आंसर तो आ गया 11 पाई बाई 36, और जब आप n की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो वैल्यू पाई बाई 2 से क्या होगी गिर ज्यादा होगा, या n को नेगेटिव लोगे तो वैल्यू नेगेटिव आने वाली, तो इसका एक ही ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग 11 पाई बाई 36। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो जैसा हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको बदलना आपको आना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं भाई हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, हम इसको बदल सकते हैं साइन की फॉर्म में भी और कॉस की फॉर्म में। साइन की फॉर्म में बदलेंगे तो ये बनेगा रूट टू और साइन एक्स माइनस 45 डिग्री, और कॉस की फॉर्म में बदलेंगे तो बन जाएगा रूट टू कॉस 45 डिग्री प्लस एक्स। तो इसका बेनिफिट ये है माइनस के साथ, सॉरी है ना, क्योंकि इसमें कॉस वाली टर्म इधर है, तो इसका बेनिफिट ये कि ये अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो दोनों टर्म सेम बन जाएगी, तो जैसे मैं यहाँ पुट करूंगा इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो ये बनेगा 2 टाइम कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस, और दोनों मिला के ये टर्म बन जाएगी 3 टाइम कॉस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री प्लस एक्स। अपने को बताना क्या है, देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हो कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होता है 1, तो टोटल का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 3, तो ये टर्म 3 या 3 से हमेशा कम होगी, तो आपका राइट आंसर भी 3 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x + 1 * 10x + 3 10x + 5 * 10x + 7 = 33। सिंपल है, इसको आप इक्वेशन को सॉल्व करना है तो देखें इसमें 4 टर्म मल्टीप्लाई में है, तो देखो अगर आप सारी टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 में बनेगी पावर 4 की इक्वेशन, जिसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो देखें आप इसमें जब फर्स्ट और लास्ट को कंसीडर करोगे आप, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या बेनिफिट होगा, ये क्या आएगा बोलो, 10x + 8x + 7, ठीक है, और सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या आने वाला है, ये तो आ गया 10x + 8x + 7, और सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करने पे अगेन 10x + 8x + 15 = 33। तो देखो इससे क्या बेनिफिट हुआ, ये दोनों पार्ट इसमें सेम है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, टी कंसीडर कर सकते हो। तो देखो इसको जब आप की लेट करोगे, याद रखना, तो दिस इज टी प्लस 7 और नेक्स्ट ब्रैकेट आ गया टी प्लस 5 माइनस 33। तो देखो इसको, सॉरी 50, इसको मल्टीप्लाई करने से इट इज बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी, तो मल्टीप्लाई करो तो टी इंटू टी टी स्क्वायर 15t और 7t 22t और 15 इंटू 7 इज 105 माइनस 33, तो 105 में से जब 33 को सबट्रैक्ट करोगे देखो क्या आ गया प्लस 272 आ गया। तो आप इसको फैक्टर करने थे, देखो ये 22 है 72 है, तो 18 इंटू 4 हो गया, देखो 18 प्लस 4 22 और मल्टीप्लाई आ गया 72। तो सिंपल सी बात है, इसके फैक्टर होंगे बेटा टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 18 इक्वल टू 0, तो इससे टी की टू वैल्यूज मिली माइनस 4 एंड माइनस 18। तो 1/1 देखें कि इफ टी आपका माइनस 4 होगा तो क्या होगा, टी की वैल्यू पुट कर दो उसमें क्या
टेन स्क्वायर एक्स प्लस एट टेन एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो देखो ढंग से, इसका डी नेगेटिव है बेटा, सॉरी डी इसका पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग इसके टू रूट्स होंगे। चलो एक बार चेक करते हैं, तो टेन एक्स इक्वल टू क्या होगा बोलो, माइनस एट प्लस माइनस रूट ऑफ 64 माइनस 16 इज 48, 48 का मीनिंग 4√3 आ गया, 4√3 और अपॉन में क्या जाएगा बोलो 2, तो कैंसिल ही कर देते हैं इसको, कैंसिल ही प्लस माइनस 4√3 अपॉन 2, तो फाइनली आ गया माइनस 4 प्लस माइनस 2√3। अब इनको देखो ढंग से देखें आप, रूट थ्री की अप्रोक्सिमेट वैल्यू लेते हैं अपन 1.7, तो 1.7 इंटू 2 3.4 होगी, तो माइनस 4 में आप ऐड करो प्लस लो या माइनस लो, टेन एक्स की बहुत वैल्यू जा नेगेटिव। तो देखें अब आप, और सेकंड पार्ट क्या है कि जब टी को बेटा जब माइनस 18 लोगे तो इधर क्या जाएगा प्लस 18, और जब ये प्लस 18 होगा तो उसका डी क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, उसके केस में तो रूट क्या होंगे इसके में, तो उसकी तो बात ही मत करो आप। तो ओनली एक ही पार्ट है टेन एक्स इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 2√3। तो अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है इसमें, माइनस 5/2 से प्लस 5/2, तो इसका मीनिंग क्या होगा, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ एंड फर्स्ट। तो देखो ये बहुत वैल्यूज आर नेगेटिव, तो इसका मीनिंग ओनली टू सॉल्यूशन, बट इसमें बोला गया वन सॉल्यूशन, ये रॉन्ग ऑप्शन होगा। माइनस 5/2 से प्लस 5/2 में 4 सॉल्यूशन, ये भी रॉन्ग होगा। फिर अगला बोला गया है माइनस 5/2 से पाई, तो माइनस 5/2 से पाई का मीनिंग फोर्थ फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा 10x की बहुत वैल्यूज नेगेटिव, और 10x नेगेटिव कहां होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसके अकॉर्डिंग टोटल सॉल्यूशन होंगे इसके 4। तो माइनस 5/2 से पाई में 4 सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट करेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। तो देखिए जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास ऐसी टर्म हो a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी रेंज होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके और प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ देखो ए और बी का वैल्यू 7 और 5 है, तो अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 49 तो इसका हो गया, 25 यहाँ हो गया, तो ये हो गया 74, यानी कि इसका रूट तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये 2k प्लस 1 जो है अपना ये माइनस रूट 74 से प्लस रूट 74 के बीच में है। अब इसके लिए मुझे पता लगाना है कि कितनी k की इंटीजर वैल्यू हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह कि अगर हम k की इंटीजर वैल्यू लेंगे तो ये टर्म हमेशा कैसे क्या बनेगी, ऑड इंटीजर बनेगी, ओके। और इधर देखिए रूट 74 8 point something हो गया ना, 8 का स्क्वायर हमें पता है 64 होता है, ये 74 है तो ये 8 point something आएगा, और ये माइनस का 8 point something है, तो इसके बीच में ऑड इंटीजर कौन कौन से आ सकते हैं, यानी 2k plus 1 का पॉसिबल वैल्यू जो है वो क्या क्या हो सकता है, देखो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 7। अब यहां से सॉल्व करके हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो जाहिर सी बात है एक रूट लेंगे तो k की एक वैल्यू मिलेगी, तो टोटल 8 वैल्यूज हैं, तो उससे मुझे 8 रूट मिल जाएंगे इस इक्वेशन के, रूट नहीं सॉरी k के 8 इंटीजर वैल्यू मिल जाएंगे, तो अपना आंसर होना चाहिए 4th। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sec x - 1 √2 - 1 tan x, और एक सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बस ये ध्यान रखें थोड़ा कि जब भी क्वेश्चन में tan, cot, sec, cosec प्रेजेंट हो तो उनके डोमेन की कंडीशन को यूज करें, ध्यान रखें। तो sec और tan की जो कंडीशन है क्या है कि x इज नॉट मल्टीपल ऑफ odd pi by 2, मल्टीपल x pi by 2 का क्या नहीं होनी चाहिए बोलो, odd मल्टीपल, क्योंकि odd मल्टीपल पे tan एंड sec इज नॉट डिफाइंड। तो आप ये लिख दें कि x इज नॉट बिलोंग्स टू 2n plus 1 pi by 2, इसमें pi by 2 के मल्टीपल को आपको x यू करना अगर वो प्रेजेंट हो तो। तो देखो सॉल्व कैसे करना है, तो सिंपल मेथड क्या है कि जनरली क्वेश्चन को अपन साइन कोस में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं, या तो कंप्लीटली टेन में कन्वर्ट करो या फिर साइन कोस में। तो देखो sec x माइनस 1, तो sec को क्या लिखोगे 1 by cos, तो LCM लेने पे आ गया 1 माइनस cos x अपॉन cos x इक्वल टू रूट टू माइनस 1, और ये आ गया sin x अपॉन cos x,
तो ये cos x से cos x कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि x pi by 2 का मल्टीपल नहीं है, तो cos x कैंसिल। और न्यूमेरेटर में देखो 1 के साथ cos प्रेजेंट है, तो जब भी 1 के साथ cos प्रेजेंट है तो अपन 1 को कैंसिल करने की कोशिश। और ये माइनस में तो क्या करोगे, cos का फॉर्मूला sin की टर्म में, तो इसको लिखोगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x / 2, तो 1 से 1 कैंसिल, जिससे 2 sin स्क्वायर x / 2 इक्वल टू, इसको लिखना है रूट 2 माइनस 1। और देखो ये x / 2 है तो sin x को भी आप हाफ एंगल में कन्वर्ट करें, तो sin x इज 2 sin x / 2 इनटू cos ऑफ x / 2। तो देखो 2 तो कैंसिल कर सकते हो आप डायरेक्ट, बट ये ध्यान रखिए कि जब भी वेरिएबल पार्ट ऑफ बोथ साइड तो उनको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, कैंसिल। वेरिएबल वेक्टर को कैंसिल करें तो एक बार उसको जीरो बना के रखो, उसको कॉमन लो आप सिंपल, तो कॉमन लेने पे वो क्या जाएगा, जीरो। तो देखो इसको जब लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे तो बेटा sin x / 2 क्या गया कॉमन, तो जब sin x / 2 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट इज sin x / 2 माइनस रूट 2 माइनस 1, ये आ गया cos ऑफ x / 2 इक्वल टू जीरो। तो अब देखो इसके बाद, तो एक तो दिस पार्ट जीरो, तो sin x / 2 को जीरो करोगे आप तो sin की वैल्यू जीरो कब होगी, n पाई पे, तो x / 2 इज n π, देन x इक्वल टू 2ny। एक तो दिस पार्ट आ गया, और अगेन देखो इस ब्रैकेट को जीरो करोगे तो क्या आ गया, से दिस इक्वल टू जीरो, देन sin x / 2 इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 cos x / 2, और cos x / 2 से डिवाइड करोगे तो दिस इज tan x / 2, tan x / 2 इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। और ये आपको पता होना चाहिए कि tan x / 2 इक्वल टू tan थीटा हो तो अपन उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो जो रूट 2 माइनस 1 है ये tan में किसकी वैल्यू होगी, तो रूट 2 माइनस 1 tan में किसकी वैल्यू होगी बोलो, 22.5 की, tan x / 2 सॉरी रूट 2 माइनस 1 किसकी वैल्यू होगी, 22.5, तो उसको लिख सकते हैं पाई बाई 8। ये रूट 2 माइनस 1 क्या, tan पाई बाई 8, इसका मीनिंग क्या गया, tan x / 2 इक्वल टू tan पाई बाई 8, तो tan x / 2 इक्वल टू tan पाई बाई 8, देन इससे आ गया x / 2 इक्वल टू m pi, लेट कर दो थोड़ी देर के लिए क्योंकि n ऑलरेडी यूज कर सके, तो x / 2 इक्वल टू m pi प्लस pi / 8, और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 2m pi प्लस pi / 4। तो इसने जनरल सॉल्यूशन पूछा है तो अपन देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन हो सकता है, और आंसर में क्या नहीं आना चाहिए, pi / 2 का मल्टीपल। तो देखो ये ऑलवेज pi का मल्टीपल है और इसमें m की वैल्यू कुछ भी करो ये ऑलवेज pi / 4 की टर्म में आने वाला है क्योंकि अपॉन में 4 है ना, क्योंकि ये तो ऑड नंबर आने वाला है सॉल्व करोगे, तो ये ऑलवेज pi / 4 का मल्टीपल होगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही है इसके, तो देखो क्या आंसर होगा, 2n pi और 2m pi प्लस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा थर्ड। ठीक है सर, हां जी आइए सर नेक्स्ट, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन द इंटरवल 0 से 2 पाई में इसके सॉल्यूशन देखने हैं। अब यहां आपकी छोटी सी जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखो ये टर्म में और ये टर्म में आपको cos 6x दिखाई दे रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, जो रिमेनिंग टर्म इधर 1 है ये बच गया इसको उधर ले चलो, सो दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब आपको अगर फॉर्मूले याद है देखो चुकोगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, इस टर्म से डिवाइड कर लेना चाहिए, ये टर्म वैसे भी जीरो नहीं हो सकती तो इससे डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और आई होप आप पहचान गए होंगे भाई ये क्या बन गया, cos 2 cos 2x, इधर आ गया cos 6x। अब इधर मैं इसके जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहूंगा राइट, तो 6x बराबर हो जाएगा 2n pi प्लस माइनस 2x, है ना, या cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो थीटा बराबर होता 2n pi प्लस माइनस अल्फा, उसको यूज कर लिया हमने। एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं एक बार नेगेटिव साइन ले लेते हैं, देखो पॉजिटिव लोगे तो ये 2x है कैंसिल आउट हो गया 4x बचेगा, तो x की वैल्यू मिलेगी 2n pi डिवाइडेड बाय 4 n pi / 2, दैट इज n pi / 2 ओके। और अगर हम माइनस लेते हैं तो ये उधर जाके 8x हो गया, डिवाइड करोगे तो मिलेगा n pi / 4। ठीक है जी, अब हमें एक थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में 10x था है ना, तो ऐसा कोई मल्टीपल नहीं लेना है जो कि pi / 2 pi / 2 का मल्टीपल, दिस शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ pi / 2 ओके। तो कह रहा हमें जनरल सॉल्यूशन देना नहीं है, पर्टिकुलर रेंज में बात करनी है,
तो इस रेंज में से सॉल्यूशन उठा लेते हैं, देखो क्या क्या होंगे। पहले यहां से अगर मैं बात करूं तो आप जीरो डालोगे जीरो मिलेगा, वन डालोगे पाई बाय टू मिलेगा, टू डालोगे पाई मिलेगा, थ्री डालोगे थ्री पाई बाय टू मिलेगा, और लास्ट में मिलेगा टू पाई, फोर डाल लेंगे। यस, इससे ज्यादा डालोगे टू पाई से बाहर चले जाएंगे। अब एक बार यहां से ले लेते हैं, एन का वैल्यू जीरो डालोगे जीरो ही आएगा, रिपीट करके लिखने का कोई मतलब नहीं है। वन डालोगे पाई बाई फोर आ जाएगा, टू डालने पे पाई बाई टू आएगा, थ्री डालोगे थ्री पाई बाई फोर आएगा, ठीक है जी, फोर डालोगे पाई आ जाएगा, फिर आएगा फाइव पाई बाई फोर, फिर आएगा थ्री पाई बाई टू, फिर आएगा सेवन पाई बाई फोर, और एट डालोगे तो टू पाई आ जाएगा, ठीक। लेकिन अब यहाँ देखिए ये वाली कंडीशन को ध्यान दीजिए ना, एक्स जो है पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब भाई ये कैंसिल आउट हो गया है ना, एक ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये दो रूट तो अपने खत्म हो गए। अपने को नंबर ऑफ रूट ही बताने, तो काउंट कर लीजिए कितने, वन टू थ्री और फोर ये रहे, तो टोटल है अपने पास सेवन रूट्स, तो अपना आंसर सही हो गया फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो यहाँ भी यही ध्यान देने वाली बात थी कि आप जो क्वेश्चन अपने को गिवन है उसका डोमेन देख लें, कि अगर उसमें टेन एक्स है तो वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The number of solution of the equation 10x plus sec x equal to 2 cos x lying in the interval 0 से 2 pi. तो ये भी same ही question, same इनकी तरह, और same ही condition है कि 10 और sec present है, तो again x not belongs to odd multiple of pi. तो x is not belongs to, is not equal to 2n plus 1 pi by 2. मतलब pi by 2 के multiple answer को review करना है बस। तो देखो सॉल्व करने का वही सिंपल ऑप्शन कि इसको कम्प्लीटली साइन कोस में कन्वर्ट करें, तो देखो टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन वाई कोस और sec x को वन वाई कोस, तो cos x एलसीएम आ गया, तो क्वेश्चन आ गया वन प्लस साइन x अपॉन cos x इक्वल टू टू टाइम cos x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया वन प्लस साइन x इक्वल टू टू cos स्क्वायर x, तो इसके बाद आप कंप्लीटली या तो साइन में कन्वर्ट करो या कोस में, तो देखो साइन को तो अपन कोस में लिख नहीं सकते डायरेक्ट, तो बेटर ऑप्शन क्या है कि कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें आप, तो ये कोस स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सबको वन साइड लेके आए तो देखो ये माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे तो दिस इज प्लस के टू साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स और प्लस टू और लेफ्ट में लाओगे तो माइनस टू, तो वन एंड माइनस टू इज माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो इसके देखो फैक्टर क्या होंगे, तो सिंपल है, तो एक तो जाएगा टू साइन एक्स माइनस वन, चलो लिख के देखते हैं एक बार, टू साइन एक्स माइनस वन एंड साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू, ठीक है ना, टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स, हाँ तो सिंपल, तो साइन एक्स इक्वल टू आ गया वन बाई टू एंड माइनस वन। तो देखो आपको ओनली जीरो से टू पाई की बात की गई है, तो जीरो से टू पाई में साइन की वैल्यू वन बाई टू का होगी फर्स्ट एंड सेकंड में, तो इसके अकॉर्डिंग तो एक्स आ गया पाई बाई सिक्स कोमा फाइव पाई बाई सिक्स, ये आपको आना चाहिए फाइंड आउट करना, और साइन एक्स की वैल्यू माइनस कब होगी आपकी, जब थ्री पाई बाई टू होगी, इधर जीरो से टू पाई तो साइन एक्स की वैल्यू दिस वन, इधर माइनस वन और ऊपर की तरफ प्लस वन, तो ये क्या आ गया थ्री पाई बाई टू। बट आपने फिर उसके बाद अपने क्या बोला गया कि पाई बाई टू का मल्टीपल नहीं आना चाहिए, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना साइन थ्री पाई बाई टू, तो ओनली इसके टू सॉल्यूशन होंगे बेटा पाई बाई सिक्स एंड थ्री पाई बाई सिक्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा, थर्ड, हाँ सॉरी ऑप्शन थर्ड होगा, थर्ड आंसर टू है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। The sum of all the solution of equation cot theta is equal to sin 2 theta. Theta is not equal to n pi. और जीरो से पाई में देखना अपने को इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, आइए देखिए कैसे करें। तो देखो ये कॉट थीटा में, ये साइन टू थीटा में, ये भी साइन कॉस में बदल सकता है, ये भी साइन कॉस में बदल सकता है, तो इसको बदल लेते हैं, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और सामने हो गया टू साइन थीटा और कॉस थीटा, करेक्ट। अब देखो ये फैक्टर कॉमन है, तो क्या होगा कि या तो ये फैक्टर जीरो हो, अगर ये जीरो हो गया तो देखिए दोनों साइड जीरो जीरो बन के इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, या फिर क्या होगा अगर ये जीरो नहीं है तो फिर हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो वन अपॉन साइन थीटा बचेगा किसके बराबर, टू साइन थीटा के बराबर,
यानी कि आपको मिला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके, अपने को देखना है सॉल्यूशन पे 0 से पाई में, तो 0 से पाई में कॉस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू होगी 5/2, और 0 से पाई में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/√2, राइट, यानी थीटा होगा 5/4 हो या फिर 3/4, बस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है। तो ये तीन ही सॉल्यूशन मिले अपने को, कैलकुलेट क्या करना है, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, तो इनको ऐड कर लीजिए तीनों, इनका एडिशन पाई हो गया, ऐड करोगे तो इसमें 5/2 ऐड करोगे तो टोटल सम हो जाएगा 3/2, है आंसर में, बिल्कुल गया, फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan पाई cos थीटा इक्वल टू cot पाई sin थीटा, देन cos थीटा माइनस पाई बाई फोर इज, तो दिस पार्ट गिवन है, तो आपको cot थीटा माइनस पाई बाई फोर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो ये सिंपल, एक बार तो देखो tan थीटा इक्वल टू cot अल्फा है, तो क्या करें आप cot को पहले tan में कन्वर्ट करो, तो आप लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू tan सीधा क्या होता है पाई कॉस, पूरे लिखते पाई कॉस थीटा, tan पाई कॉस थीटा इक्वल टू tan पाई बाय टू माइनस पाई साइन थीटा, ठीक है, तो दिस इज tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो अगेन tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो दिस पार्ट आ गया पाई कोस थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू माइनस पाई साइन थीटा। आप इसको देखें, इस सब में पाई कॉमन आके क्या होगा, कैंसिल आओ पाई तो कैंसिल, तो साइन थीटा को लेफ्ट में कन्वर्ट करें आप, जैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू एन प्लस हाफ, इतना आने के बाद देखो वैल्यू किसकी लानी है आपको, कॉस थीटा माइनस पाई बाय फोर की, तो वेट ऑप्शन क्या है, इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 1/√2 से, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ गया 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 एलसीएम ले ली साथ ही साथ अपॉन में आ गया 2√2, तो देखो ना इसको आप लिख सकते हो cos 45 इसको sin 45, तो दिस इज cos a माइनस b, तो सिंपल फॉर्मूला बन गया cos थीटा माइनस 45, थीटा माइनस 45 इक्वल टू आ गया बेटा 2n प्लस 1 अपॉन 2√2। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है कि cos प्लस साइन की वैल्यू आपके पास है n प्लस हाफ, तो साइन प्लस cos की रेंज क्या होगी, माइनस √2 से प्लस √2, भाई इसमें बात आती है कि सर n की वैल्यू क्या पुट करें, तो n की वैल्यू तो आप 0 1 2 3 माइनस 1 कुछ भी ले सकते हो ना, तो इसका आईडिया अपन को इससे मिल सकता है कि साइन प्लस cos आपका n प्लस 1/2 है और साइन cos की रेंज क्या होगी, माइनस √2 से प्लस √2, तो कंडीशन क्या होगी इसमें, n प्लस 1/2 लाइज बिटवीन माइनस √2 से प्लस √2, तो आप उससे n की और n के इसमें इंटीजर है तो आप n की इंटीग्रल वैल्यूज को चेक कर सकते हो, तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है, यहां से भी देख सकते हो, हां इससे पता चल जाएगा, हां माइनस 1 से 1 है, तो इससे भी करोगे तो देखो ये सिंपल सी बात है, cos की वैल्यू माइनस 1 से 1 आनी चाहिए आपकी, तो एक बार n को 0 पुट करो, तो n को 0 पुट करोगे तो आ गया 1/√2, तो ये करेक्ट है आपका, क्योंकि माइनस 1 से 1 के बिटवीन है, ऐसी जब अगर n को आप 1 लेते हो बाय चांस तो 3/√2 जो तो ये तो 1 से ग्रेटर होगा, तो गलत हो गया, फिर आप n को लेके देखो माइनस के 1, तो n को माइनस 1 लोगे तो अगेन आ गया माइनस 1/√2, तो इसके टू पॉसिबल आंसर हो सकते हैं 1/√2 एंड माइनस के 1/√2, तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, हां पहला ऑप्शन हो जाएगा, और ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है क्योंकि cos की वैल्यू 1 से ग्रेटर है थर्ड ऑप्शन में, ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, The range of the expression 5 sin square x plus 3 cos square x minus sin x cos x। देखो इस तरह का सवाल और रेंज निकालनी हो तो सबसे बेटर टेक्निक ये है कि सबको एक सेम वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें,
मतलब ऑलरेडी एक्स में तो है, सॉरी मैं कोशिश करूंगा कि सेकंड डिग्री टर्म इसको फर्स्ट डिग्री में बदल लूं। और उसके लिए हम देखो क्या फॉर्मूले लगा सकते हैं कि फाइव तो अपनी जगह है, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, वन माइनस कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स बाई टू, राइट। ऐसे ही ये हो गया थ्री, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं वन प्लस प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, और ये हो गया थ्री साइन टू साइन टू एक्स। तो इससे क्या हुआ देखो, वन डिग्री में आ गई, मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स में लीनियर टर्म होगी, साइन थीटा और कॉस थीटा में। तो अब हम वो कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे कि ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। आई होप अभी भी डिस्कस किया था हमने तो याद होगा आपको। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो फाइव बाई टू और प्लस का थ्री बाई टू, ये मिला के हो गया बच्चों फोर, माइनस के कॉस टू एक्स, फाइव कॉस टू एक्स, फाइव बाई टू कॉस टू एक्स सॉरी, और प्लस के थ्री बाई टू कॉस टू एक्स, ये मिला के हो जाएंगे माइनस माइनस के कॉस टू एक्स, और ये है माइनस के थ्री साइन टू एक्स। ओके, माइनस कॉमन ले लेते हैं। चलिए ऐसे अब इस टर्म पे विचार कर लेते हैं पहले, तो इस टर्म की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। इसका वैल्यू होता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। तो यहाँ हो गया देखो, तीन का स्क्वायर करो नाइन और वन रूट टेन, तो ये वैल्यू हो गई माइनस रूट टेन से प्लस रूट टेन के बीच में। तो इसलिए टोटल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी ये देखिए, जब इसका मिनिमम लोगे तो इसका मैक्सिमम आ जाएगा टोटल का, इसका मैक्सिमम लोगे तो टोटल का मिनिमम आ जाएगा। तो फोर और ये लेंगे तो मिनिमम वैल्यू बनेगी ये, और जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको मैक्सिमम मिलेगा ये। तो ये है इसकी रेंज। तो आई होप ये रहा फोर्थ ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। तो एक बार फिर से यही फॉर्मूला यूज हुआ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। The number of points inside or on the circle x square by y square equal to 4 satisfying 10 की पावर 4 प्लस cot की पावर 4x plus 1 equal to 3 sin square y। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो पहले इसकी बात करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये टू वेरिएबल में की इक्वेशन है, तो आप सिंपल तो मैथमेटिकली सॉल्व कर नहीं सकते इसको, तो आप LHL RHL की वैल्यू से XT वैल्यू से इसको डिसाइड कर, रेंज कंपेयर कर, रेंज कंपेयर कर सकते हो। तो देखिए जरा, 10 की पावर 4 प्लस cot की पावर 4, ये दोनों पार्ट आपके पॉजिटिव हैं और बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो आप AM GMC इसकी रेंज चेक कर सकते हो। तो ये आपने लास्ट लेक्चर में भी अपने डिस्कस किया था ऐसा क्वेश्चन, तो 10 की पावर 4 प्लस cot की पावर 4 इसकी रेंज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा दो या दो से बड़ा ग्रेटर होगा आपका। तो ये टू से ग्रेटर है और उसमें वन ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बिल्कुल। और साइन स्क्वायर वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1, तो राइट साइड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3। तो देखो लेफ्ट साइड तो 3 और 3 से ग्रेटर है, राइट साइड आपकी 3 और 3 से लेस है, और बीच में आ रहा है इक्वल टू, तो ये कब पॉसिबल होगा, लेफ्ट साइड इक्वल टू 3 एंड राइट साइड इज आल्सो 3, बोथ साइड आपकी 3 के क्या होनी चाहिए, इक्वल इक्वल। तो बेटा राइट साइड 3 इक्वल कब होगी, व्हेन sin स्क्वायर वाई तो आपका 1 होना चाहिए, तो sin स्क्वायर वाई 1 देन sin वाई आ गया प्लस माइनस 1। अब देखो बाद में सॉल्व करते हैं इसको, अब लेफ्ट की बात करते हैं। तो लेफ्ट में क्या है, 10 स्क्वायर 10 की पावर 4 प्लस cot की पावर 4, भाई इसकी वैल्यू आपकी 3 और 3 से ग्रेटर है और आपने क्या लिया इक्वल टू 3, तो फिर ये पार्ट क्या होगा, इक्वल टू 2। जब इसको इक्वल टू 2 लोगे तो देखो क्या आने वाला, और वैसे ही आप एम जी एम से पता होना चाहिए कि इसको इक्वल टू 2 लेने का मीनिंग है एम इक्वल टू जी एम, और एम जी एम की इक्वल है देन ए इक्वल टू बी, तो 10 की पावर 4 इक्वल टू cot की पावर 4, उससे ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो 10 की पावर 4x इक्वल टू cot की पावर 4x, तो 1 बाई 10 की पावर 4 ले सकते हैं, तो ये आ गया 10 की पावर 8x इक्वल टू 1, तो इसका मीनिंग भी क्या आ गया बोलो, 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1 देन 10x इक्वल टू प्लस माइनस, ये आपने इसे सॉल्व किया। अब आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू को इससे फाइंड आउट करना है, और क्या बोला गया कि ये जो पॉइंट है x और y वो लाइज ऑन दी सर्किल या इनसाइड दी सर्किल आपके प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो ये एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस आपकी 2 है, तो ये पॉइंट आपका -2, 0 है, बस इसी को यूज करना है थोड़ा सा, ये 2, 0 और ये आ गया 0, -2, या फिर आप पुट करके भी देख सकते हैं। तो देखो
इसमें पेयर देखो आप, टेन वाई की वैल्यू वन का होगी जब वाई आपका पाई बाई टू हो सकता है, पॉजिटिव में थ्री पाई बाई टू। देखो सिंपल सी बात क्या है कि जो सर्किल है ना ये माइनस टू से टू है और वाई आपका भी प्लस टू से माइनस टू है, तो इससे बाहर तो जाना ही नहीं है अपन को। तो ये वैल्यू तो देखो काफी ग्रेटर होगी वाई की, ये वाई की वैल्यू क्या होगी 3.something into 3, 9.something by 4.something, तो ये वैल्यू तो कभी इसके इनसाइड हो नहीं सकती, ये तो बाहर होगी। तो ओनली पाई बाई टू की बात करो, और नेगेटिव में जाओगे तो इसमें भी एक ही पार्ट होगा ओनली माइनस पाई बाई टू, ठीक है। सिमिलरली टेन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन है, तो इससे क्या आने वाला है, एक्स बोलो प्लस हो गए तो पाई बाई फोर, या तो पाई बाई फोर ले सकते हैं, या फिर टेन एक्स की वैल्यू वन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी 5π/4। और जब 5π/4 की बात करोगे तो देखो ये भी वैल्यू आपकी 2 से ग्रेटर होगी, क्योंकि पाई का मीनिंग 3 point something, 5 से मल्टीप्लाई तो 15/4 इज 3 point something आने वाला है, ठीक है। तो इससे भी क्या मिला 5/4, और जब नेगेटिव की बात करोगे तो इससे क्या जाएगा बोलो माइनस के पाई। तो ओनली इफ टू वैल्यूज तो वाई की होंगी और टू वैल्यूज आपकी एक्स की होंगी, इन्हीं को आप इसके इनसाइड ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो जैसे एक्स को पाई बाई फोर लोगे तो वाई आप पाई बाई टू ले सकते हो, तो 100% पाई बाई फोर कॉमा पाई बाई टू इधर लाई करेगा इसके अंदर। और या फिर क्या करो आप एक्स और वाई की पेयर को आप इसमें पुट करके देखो कि एस वन अगर लेस देन जीरो हो, ये आपको आना चाहिए कि कोई भी पॉइंट सर्किल की इनसाइड हो तो कंडीशन क्या होगी, उस पॉइंट को पुट करने पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो आप 1/1 क्या पेयर ले सकते हो, पाई बाई फोर के साथ पाई बाई टू पुट करोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा अंदर, और पाई बाई फोर के साथ माइनस पाई बाई टू लोगे तो ये इसी के सिमेट्रिक इधर होगा। और सिमिलरली माइनस पाई बाई फोर के साथ पाई बाई टू ले सकते हो तो ये पॉइंट आपका इधर होगा सिमेट्रिक, और माइनस पाई बाई फोर के साथ जब माइनस पाई बाई टू लोगे तो इसी के सिमेट्रिक ये पॉइंट इधर लाई करेगा। तो ओनली 4 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है जो इस सर्किल के इनसाइड हो सकते हैं, तो यही पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन आना चाहिए, थर्ड आंसर सही हो गया। हाँ। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द नंबर ऑफ एक्स बिटवीन 0 एंड 2 पाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। चलिए देखिए इस इक्वेशन से शुरुआत करते हैं ना, इसको देखने से आर ही नहीं, जिसके रूट्स जो है वो एबी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस अपने को बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट कैलकुलेट करेंगे, कॉमन डिफरेंस भी बता दूंगे, है ना। यहाँ देखिए 0 से 2 पाई पूरे में देखना है ना। अब तुम अगर गौर से देखो तो इस अंडर रूट का सिग्निफिकेंस समझिए ना, ये टर्म जो है ये कैसी टर्म है भाई, नॉन निगेटिव, राइट। और इसका इससे प्रोडक्ट आ रहा है 1, तो इसका मतलब ये टर्म भी नेगेटिव तो नहीं होनी चाहिए, 0 वैसे भी नहीं होनी चाहिए, तो ये टर्म भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो जैसे आप बोलते हो कि साइन एक्स पॉजिटिव है, तो 0 से 2 पाई में से आधा इंटरवल तो चला गया, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव होता है 0 से पाई, पाई में, तो अपने को केवल 0 से पाई में ही इसके आंसर डिस्कस करने। तो चलिए एक्स को 0 से पाई मान के हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप इस अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर सकते हो, राइट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू 8 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और कंप्लीटली अब आप इसको बदल लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स में बदल सकते हैं। और देखो यहाँ देखो ऐसे भी कर सकते हैं ना कि यहाँ से 2 अलग कर, तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दैट कैन बी रिटन साइन टू इज साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर 2x बराबर हो गया बच्चों 1/2, ठीक है। और ये हाफ हो गया, अच्छा आपने को तो केवल 0 से पाई में देखना है, तो हम पूरे सॉल्यूशन भी क्यों लिखें, यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। देखिए अगर x 0 से पाई में है ना, तो 2x कैसा हो जाएगा, 0 से 2 पाई, 2x हो जाएगा 0 से 2 पाई। तो देखिए 2x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, पहले तो यहाँ ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर 2x का वैल्यू 1/2, तो साइन 2x का वैल्यू होगा प्लस माइनस 1/√2, यानी 5/4 के मल्टीपल देखने पड़ेंगे अपने को ऑड वाले। तो एक तो 5/4 बनेगा, राइट, फिर एक सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा 3/4, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा 5/4, और फिर आएगा 7/4। ये रूट्स आ जाएंगे जहां पर साइन 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। करना क्या अपने को, ये सब एपी में है, पहले तो x को डिवाइड कर लो इसको, तो x का वैल्यू हो गया 5/8, 3/8, 5/8 और 7/8। और ध्यान से देखिए, बिल्कुल ये सब के सब एपी में है, और इनका कॉमन डिफरेंस निकालना, तो किसी भी रूट में से प्रीवियस रूट को सब्ट्रैक्ट कर दो,
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 2π/8 यानी कि π/4। तो ये है कॉमन डिफरेंस d, यही पूछा इसने, तो अपना फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटा के बिना आपको 0 से 4 पाए सेटिस्फाई द इक्वेशन sin थीटा + 2 sin थीटा + 3 * sin थीटा + 4 = 6। तो देखें सभी, एक ऑप्शन तो क्या है कि आप ये 3 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगी, साइन में एक क्यूबिक इक्वेशन, थोड़ा मुश्किल काम हो रहा है, तो आप उसमें हिडन टायर से सॉल्व कर सकते हो। और एक इसमें आप थोड़ा देखें केयरफुली, ये राइट में 6 है ना, तो देखो ये 4, 3 और 2 इसका मल्टीप्लाई क्या रहा है 12, तो इसका मीनिंग अगर आप साइन थीटा की मैक्सिम वैल्यू की बात करोगे तो फिर तो ये वैल्यू क्या होगी, 6 से काफी ग्रेटर होगी, मतलब इसको LHL RHL की रेंज से चेक करते हैं। तो जब साइन थीटा की वैल्यू आप मिनिमम लोगे तो साइन थीटा को -1 लोगे तो फर्स्ट जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 से ग्रेटर। और इसमें भी जब साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 लोगे तो दिस पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इन तीनों को जो मल्टीप्लाई करोगे तो जो लेफ्ट साइड है इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगी और राइट साइड आपका गिवन है इक्वल टू 6। तो इट इज पॉसिबल व्हेन लेफ्ट एंड राइट बोथ आर इक्वल टू 6। तो लेफ्ट साइड आपकी 6 कब होगी, जब साइन थीटा को क्या लोगे माइनस में, तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो इसने क्या पूछा आपसे, 0 से 2 पाई में सम ऑफ द सॉल्यूशन, 0 से 4 पाई में सम ऑफ द सॉल्यूशन। तो फिर आप सॉल्यूशन को फाइंड आउट करके सॉल्व करें, तो देखो ये 0 से 2 पाई और ये 4 पाई, थीटा 0 से 4 पाई है, तो साइन की वैल्यू -1 कब होगी, इधर और इधर, तो या तो पाई बाई 2 होगा या सॉरी 3π/2 या 7π/2। तो थीटा आ गया 3π/2 या फिर 7π/2। तो इसके अकॉर्डिंग इनका सम क्या होगा, 7 10/2 5π आ गया। तो इसने आपसे के का वैल्यू, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो के क्या आएगा इससे 5 हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसका, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If the sum of all the solution of this equation in 0 to pi is k pi, then k is equal to, ये भी पिछले सवाल जैसा ही हो गया, solution निकालना है और फिर sum करना है बस। आइए equation को गौर से देखते हैं, ये देखिए आप, right? ये इसको देखते हैं, formula याद आना चाहिए ना अपने को कि cos a plus b into cos a minus b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos square a minus sin square b, या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो cos square b माइनस साइन स्क्वायर, दोनों फॉर्म बने हैं ना, हम कौन सा लिखें, हम ये चाहेंगे कि बाहर cos x है तो अंदर भी cos x बने, राइट। तो मेरे पास x b की पोजीशन पे है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 8 cos x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर π/6 माइनस हाफ इक्वल टू 1। साइन π/6 हाफ होता है, स्क्वायर करोगे 1/4 और ये हाफ, ये भी माइनस का है, तो दोनों ऐड होके -3/4 बन जाएंगे, देखो यानी कि 8 cos x cos स्क्वायर x -3/4 इक्वल टू 1। अब देखिए इसको क्यूबिक बना के सॉल्व करने का कोई औचित्य नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां से 4 लेके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे बनेगा 2, तो 4 cos x में अंदर लेके चल रहा हूं, तो यहां क्या बन जाएगा, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x इज इक्वल टू 1। और अब ये पहचान जाइए, ये किसकी, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया भाई, cos 3x, यानी यहां से आपको मिला कि cos 3x का वैल्यू होना चाहिए 2 से इधर डिवाइड कर लीजिए हाफ, ओके। सॉल्यूशन 0 से पाई में देखना है, राइट। तो x अगर 0 से पाई है तो 3x हो गया 0 से 3π, तो 0 से 3 पाई में हमें देखना है कि हाफ कब आएगा, चलिए जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं ना, दैट इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, ओके। तो x का वैल्यू बनेगा बच्चों देखो फाइनली 6n प्लस माइनस 1 और π/9 ऐसा बन गया कुछ। अब हम इसमें n की इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे और वो आंसर ढूंढेंगे जो 0 से पाई के बीच में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अगर आप 0 पुट करते हो तो प्लस माइनस बनेगा,
तो प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला चाहिए नहीं, तो अपने को मिलेगा पाई बाई नाइन। ठीक है, फिर वन पुट करेंगे तो मिलेगा फाइव पाई बाई नाइन और सिक्स पाई बाई नाइन, सेवन पाई बाई नाइन। देखते रहिएगा पाई से ज्यादा ना बनने पाए, है ना। अब इनका वैल्यू टू पुट कर देंगे तो टू पुट करते ही हो गया ट्वेल्व, तो ट्वेल्व माइनस वन करोगे तो भी आएगा इलेवन पाई बाई नाइन, और इलेवन पाई बाई नाइन, इलेवन नाइन से बड़ा है तो ये डेफिनेटली पाई से बड़ा होगा। प्लस लेने पे तो ऑब्वियसली बात है बड़ा ही आएगा, जब माइनस पे ही आ रहा है। तो ये तीन सॉल्यूशन आए तुम्हारे पास, करना क्या है इनका सम, सबका सम करना। तो जोड़ दो इसको और क्या है, थर्टीन पाई बाई नाइन, तो यहाँ हो गया ये कितना हो गया सर, सेवन थर्टीन पाई। तो आप अगर ये के पाई है तो के बताओ क्या, तो के थर्टीन पाई नाइन हो गया। यस, और ये कहाँ, ये रहा, तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन में यही काम की बात थी कि आप टाइम पे इस फॉर्मूले को समझ जाएं, बजाय कि इसको क्यूबिक बना के हैंडल करने। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इफ द इक्वेशन a sin x plus cos 2x equal to 2a minus 7 प्रोसेस a सॉल्यूशन देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a। तो देखो ऐसा क्वेश्चन सर ने भी किया था अभी स्टार्टिंग में, तो उसमें तो क्या था शायद, उसमें जो वेरिएबल था वो ओनली वन साइड था, बिल्कुल। तो आपने लेफ्ट की रेंज को उसके इक्विवेलेंट कर लिया, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो ए है आपका वो बोथ साइड प्रेजेंट है, तो इस ए को आप सेपरेट तो कर नहीं सकते इसमें, बिल्कुल। तो फिर अपन क्या करते हैं, इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करके या तो साइन कोस की वैल्यू को फाइंड आउट करो, और आफ्टर दैट साइन कोस की रेंज माइनस वन से हो तो उसको बिटवीन कर सकते हैं आप, ये ऑप्शन हो सकता है इसमें। तो देखते हैं ये साइन ए कोस टू एक्स है, तो क्या बेटर है इसमें, कोस टू एक्स को इजीली अपन साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए साइन एक्स प्लस वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टू ए माइनस, सबको राइट में शिफ्ट करें क्योंकि हाईएस्ट पावर को पॉजिटिव, तो ये आगे टू साइन स्क्वायर एक्स, और साइन की टर्म को तो शिफ्ट करोगे तो माइनस ऑफ ए साइन एक्स और प्लस टू ए, और वन उधर जाके माइनस एट इक्वल टू, तो ये क्या साइन में क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं साइन एक्स की। तो साइन में क्वाड्रेटिक है तो क्या लिखोगे, साइन एक्स इक्वल टू माइनस बी ए प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर जी, तो क्या आ गया माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस फोर एज टू, तो दिस इज एट, और ब्रैकेट में लिखोगे सी इज टू ए माइनस एट अपॉन टू ए, तो दिस इज फोर आ गया टू इंटू टू। अब इसके उधर क्या मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस सिक्सटीन ए प्लस सिक्सटी फोर। तो देखो इसको ढंग से क्या होगा, ये बेटा a माइनस एट का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस सिक्सटीन ए प्लस सिक्सटी फोर क्या होगा a माइनस एट का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट रिमूव करोगे तो सीधा आ गया a माइनस एट का मोड आएगा, बट ये ऑलरेडी प्लस माइनस है तो मोड को लगाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सीधा सिंपल आ गया ये साइन एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस ए माइनस एट अपॉन। जब इसमें टेकिंग प्लस की बात करोगे आप तो साइन एक्स इज टेकिंग प्लस पे क्या होगा बोलो, टू ए माइनस एट बाई फोर, तो टू से डिवाइड करने पे आ गया ए माइनस फोर बाई टू, और जब टेकिंग माइनस की बात करोगे तो अगेन साइन एक्स इक्वल टू माइनस पे ए से ए कैंसिल, तो एट अपॉन फोर इज टू, तो साइन एक्स टू, बट साइन एक्स की वैल्यू टू हो नहीं सकती क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी वन, तो ओनली ए की पॉसिबल कॉम्बिनेशन है साइन एक्स इक्वल टू ए माइनस फोर अपॉन बाई टू। तो देखो साइन एक्स की रेंज क्या होगी माइनस वन से वन, तो देन इसका प्रोसेस ही सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग क्या है कि साइन एक्स माइनस वन से वन है, देन ए माइनस फोर भी आपका क्या होना चाहिए माइनस वन से वन के बीच में बिटवीन आना चाहिए, तो टू से मल्टीप्लाई करो और फोर को लेफ्ट और राइट में शिफ्ट करोगे तो बेटा इससे आगे शायद ए लाइज बिटवीन टू से सिक्स आ गया। तो ये इसकी ए की वैल्यू जो कि दिस प्रोसेस है सॉल्यूशन, तो इसने पूछा आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बोलो 6 आंसर, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन दिस, ओके यहां देखिए एक तो लॉग है, तो पहले तो हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं,
तो दोनों साइड सेम लॉग है, सेम बेस का है, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। और चूंकि बीच में इनइक्वलिटी है ना, तो आपको देखना पड़ता है कि लॉग का बेस वन से छोटा है या बड़ा है। अगर बेस वन से छोटा हो तो लॉग को कैंसिल करते समय इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ता है। जब अगर मैं लॉग कैंसिल आउट करूंगा तो मुझे मिलेगा साइन एक्स लेस देन कॉस एक्स। एक चीज का और ध्यान रखना होता है, जब भी आप लॉग की इनइक्वलिटी में लॉग कैंसिल करें तो जो स्मॉलर साइड बनती है दैट शुड बी पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाना ना भूलें। ये पॉजिटिव होगी तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और लॉग के अंदर जो इनपुट है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। तो जब भी लॉग की इनइक्वलिटी में से लॉग हटाएं तो स्मॉलर साइड का ध्यान रखें कि ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करना है बेसिकली मुझे, देखो दोनों टर्म पॉजिटिव है तो सारा खेल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, साइन एक्स भी पॉजिटिव है, कॉस एक्स भी पॉजिटिव है, तो अपना सॉल्यूशन आएगा केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस और पॉजिटिव है तो इससे मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ, उससे इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और मुझे मिलेगा टेन एक्स लेस देन वन, राइट, इस इनइक्वलिटी से। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन एक्स का वैल्यू वन से छोटा कब होता है, जब एक्स का वैल्यू क्या हो सर, जीरो जीरो से पाई बाई फोर, पाई बाई फोर। ओके, पाई बाई फोर में भी अपन क्या रखेंगे, ओपन ही रखेंगे, वरना क्या, हाँ यहाँ भी इनइक्वलिटी में वैसे भी वन को इंक्लूड नहीं करना है, तो अपना आंसर कौन सा होगा, तो फिर आ जाता है, हाँ जी ये वाला आंसर होगा ना, जीरो टू पाई बाई फोर ओपन इंटरवल में। ओके सिंपल, चलिए हाँ सिंपल क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रूट कॉस 2x प्लस रूट 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x साइन x प्लस कॉस। तो देखो ये रूट की कंडीशन याद रखें कि साइन प्लस कॉस का सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये साइन प्लस कॉस आपका 0 से क्या होना चाहिए ग्रेटर, या फिर हम इसको बाद में चेक कर लेते हैं बाद में। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, वन को लिख सकते, भाई सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले ट्राई करो रूट को रिमूव करने की। तो 1 प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो वन का मीनिंग साइन स्क्वायर प्लस कोस और दिस इज टू साइन कोस एक्स। तो यार क्या आ गया देखो, तो ये टर्म तो होगी आपकी साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट रिमूव करोगे तो ये आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। आप लिखोगे तो मोड में, बट आपको पता है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स को पॉजिटिव होना है, तो सीधा मोड रिमूव हो गया इससे, और इक्वल टू आ गया टू रूट एस प्लस सी लिख देते हैं, साइन का मीनिंग एस और कोस का मीनिंग सी, ठीक है। और इधर भी देखो cos 2x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के अकॉर्डिंग cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x, तो सीधा c प्लस s इनटू c माइनस s कर दो, इसको भी s प्लस c याद रखना। तो देखो ये c प्लस s का रूट है, ये c माइनस s का रूट है, और ये s प्लस c है, तो इन सब में से अपन रूट एस प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल, तो अंडर रूट एस प्लस सी को कॉमन लोगे तो क्या आ गया, रूट ऑफ सी माइनस एस प्लस, इधर ये एस प्लस सी है और आप हाफ कॉमन लोगे तो ये भी आ गया रूट में रूट ऑफ एस प्लस सी, इसको भी अपन लेफ्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो दिस इज माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो क्या आ गया, से दिस पार्ट जीरो एंड दिस पार्ट जीरो, तो इसको जीरो करने से तो सिंपल आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग एक ऑप्शन फर्स्ट टिक कर सकते हैं, और देखो इसको जब सिंपलीफाई करोगे सी को उधर शिफ्ट करोगे तो क्या आ गया साइन एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स से डिवाइड करोगे तो अगेन टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो टेन एक्स की वैल्यू माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू क्या लगोगे जनरल सोल्यूशन एन पाई माइनस पाई बाई फोर, तो ये इसका थर्ड ऑप्शन भी आ सकता है। आप चेक करके भी देख लेना आराम से कि टेन एक्स की वैल्यू माइनस वन कब होगी, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कोई भी क्वाड्रेंट पुट करना है इसको ऑलवेज क्या करेगा, ये रूट पॉजिटिव होगा उस केस में ऑलवेज, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो अपने ही आ चुके हैं। उसके बाद एक इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है, तो देखो इसका मीनिंग क्या होगा, रूट c माइनस एस प्लस रूट ऑफ सी प्लस एस इक्वल टू टू। देखो रूट पॉजिटिव तो समेशन पॉजिटिव इक्वल टू राइट भी टू पॉजिटिव, तो अपन अगेन क्या कर सकते हैं इसकी स्क्वायरिंग, क्योंकि लेफ्ट और राइट में दोनों साइड पॉजिटिव हो तो क्या कर सकते हैं इजीली स्क्वायरिंग, तो इसकी बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा c माइनस एस प्लस सी प्लस एस, तो दिस इज टू सी प्लस टू रूट ए बी, तो सीधा आगे c स्क्वायर माइनस s स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया c प्लस
रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू टू। और अब क्या करना है, इस c को राइट में शिफ्ट करके अगेन वन टाइम स्क्वायरिंग और करनी पड़ेगी इसमें। देखो एक बार, रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू टू माइनस सी। और देखो जो कॉस है इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन होगी ना, तो दिस पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप अगेन इसकी क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग। और जब इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो देखो क्या आने वाला है, सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू फोर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर सब कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू बोलो फोर माइनस फोर ऑफ सी आ गया सर, ठीक है, एस स्क्वायर इक्वल टू फोर माइनस फोर सी। तो ये साइन कॉस है, तो साइन को भी आप कॉस में क्या करोगे कन्वर्ट, तो साइन स्क्वायर एक्स को ले सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस करने पे आ जाएगा माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू फोर माइनस फोर कॉस एक्स। तो फाइनली आ गए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फोर कॉस एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। और देखो इसके फैक्टर होंगे वन एंड फोर, तो एक तो आ गया कॉस एक्स इक्वल टू वन और सेकेंड आ गया कॉस एक्स इक्वल टू फोर, तो कॉस एक्स की वैल्यू फोर तो नहीं सकती ना, तो ओनली इससे वन सोल्यूशन आ गया कॉस एक्स इक्वल टू वन। और कॉस एक्स की वैल्यू वन कब होगी, टू एन पाई पे, तो एक्स जब टू एन पाई का मल्टीपल होगा तो उस केस में कॉस एक्स वन होगा, तो एक ऑप्शन सेकेंड हो सकता। बिल्कुल सर, कुछ और होगा किस करना, ठीक है, इसका भी वन ही हो सकता है, तो ये टू तभी आएगा जब ये भी वन हो, ये भी और ये भी वन, और कॉस एक्स वन कब होता है, जब एक्स इक्वल टू टू एन पाई हो, और वो डालूंगा तो 2x हो जाएगा 4n पाई, तो ये भी आ जाएगा, या आएगा ऑटोमेटिक हो गया, तो यही इसका आंसर है। एक्चुअली निकाल सकते हैं इसको cos 2x लिख के, यहां कंपेयर करें तो ये ऑप्शन हो गया कि cos plus root cos 2, तो बोथ पार्ट 1 होंगे, तो उस केस में तो जब x 2n पाई का मल्टीपल है तो ऑटोमेटिक 1 होगा। बिल्कुल, तो सेकंड आंसर, तीन आंसर सही है, फर्स्ट सेकंड और मल्टीपल के क्वेश्चन है अगले दोनों तीन। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। For what and only what values of alpha lying between 0 and pi is the inequality valid? Okay, इस inequality को ध्यान से देख लो। इसमें एक बड़ी mistake जो कुछ बच्चे कर जाते हैं ना, वो क्या करते हैं कि इसको उठा के उधर divide कर दिया, तो उससे वो 10 में convert हो जाती है। लेकिन क्या है कि inequality है, तो आप किसी भी term से divide नहीं कर सकते, आप उसी term से divide कर सकते हो जिसका sign confirm हो कि ये हमेशा positive होगी या हमेशा negative होगी। ये तो वेरिएबल टर्म है, इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव, तो डिवाइड ना करें इसको, उधर ट्रांसफर करें, और इसमें से फिर साइन अल्फा कॉस क्यूब अल्फा है, ये उधर जाएगा साइन क्यूब अल्फा कॉस अल्फा, तो कॉमन ले लीजिए आप साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखिए यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये उधर जाके हो गया माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ बचेगा ग्रेटर देन जीरो। अभी आपको नजर आ रहा होगा दैट इज कॉस टू अल्फा, करेक्ट, और ये क्या हो गया, ये भी हो गया साइन टू अल्फा बाई टू। ओके, और फिर से देखो साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा, ये मिला के हो गए साइन फोर अल्फा बाई टू। फोर को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है, आपको सीधे सीधे मिला कि साइन फोर अल्फा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब कौन से इंटरवल में ढूंढनी थी अपने को वैल्यू, जीरो टू पाई। देखिए अगर अल्फा है जीरो से पाई, तो फोर अल्फा हो जाएगा जीरो से फोर पाई, फोर पाई फोर अल्फा हो जाएगा भाई जीरो से फोर पाई, तो इसमें ढूंढना है। तो इस इंटरवल में साइन पॉजिटिव कब होता है, आप सब जानते हो साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जीरो से स्टार्ट करोगे ना, चाहिए इन्होंने कहाँ गया सवाल गिरा, ठीक है जी जीरो से स्टार्ट करना, तो जीरो से पाई, जीरो से पाई तक फर्स्ट और सेकेंड इंटरवल हो गया, फिर पाई से टू पाई सेकेंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा वो छोड़ दो, फिर टू पाई से थ्री पाई तक ले लेंगे बस, और फिर थ्री पाई से फोर पाई जो है वो थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, तो बस खत्म हो गया सवाल। अल्फा की वैल्यू हो गई फोर से डिवाइड कर लो, जीरो से पाई बाई फाइव बाई फोर यूनियन यूनियन पाई बाई टू से पाई बाई टू से थ्री पाई बाई फोर,
जीरो टू पाई बाई फोर एक तो फर्स्ट आंसर सही है और मल्टीप्लाई बाई फोर पाई बाई टू से थ्री पाई बाई फोर ये भी सही तो पहला और चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है आपको कि थोड़ा लेस बना ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू जीरो होता है लेस देन का साइन मिसप्रिंट है टाइप में। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है इसमें भी क्या है साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है तो देखो इसके फैक्टर कर सकते हैं अपन इजीली ये थ्री साइन वन साइन एक्स है तो सिंपल सी बात है साइन एक्स को ए लेट करो साइन वन को बी लेट करो ए स्क्वायर माइनस थ्री ए बी प्लस टू बी स्क्वायर तो क्या गए a माइनस बी एंड a माइनस टू बी आ गया तो सिंपल फैक्टर लिख सकते हो इसके साइन एक्स माइनस साइन वन इन टू साइन एक्स माइनस टू साइन वन डिग्री है ना ये वन रेडियन है रेडियन तो वन रेडियन है ठीक है। अब देखो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्विटी को सॉल्व करना है तो देखो दो फैक्टर है तो नंबर लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते इसके लिए तो आप एक तो ये ट्राई कर सकते हो कि अगर कोई ब्रैकेट कंप्लीटली नेगेटिव पॉजिटिव हो तो उसको अपन डायरेक्ट जीरो में शिफ्ट कर सकते हैं अदरवाइज फिर एक ही ऑप्शन है केसेज आप लेट करें आप कि एक बार दिस पॉजिटिव फिर सेकंड में दिस पॉजिटिव केसेज से तो देखो साइन वन का मीनिंग है अप्रोक्सीमेट साइन 57 डिग्री तो साइन वन की जो वैल्यू है वो साइन 60 से थोड़ी सी लेस होगी तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री बाई टू तो जो ये टू साइन वन है ये आपका रूट थ्री से थोड़ा लेस होगा। अब रूट थ्री का मीनिंग है 1.7 ये 1 से लेस तो हो नहीं सकता ना क्योंकि साइन 30 आपका 1/2 होगा तो उस केस में 1 आता ना बिल्कुल तो इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी बट रूट थ्री से थोड़ी लेस होगी तो देखो ढंग से ये पार्ट आपका रूट थ्री से थोड़ा सा लेस है तो साइन एक्स की वैल्यू 1 से लेस तो 1 से लेस माइनस रूट थ्री से लेस तो देखो ये ब्रैकेट ऑलवेज कैसा होगा नेगेटिव होगा देखो ये 1 से बड़ा है ना हाँ ये 1 से ग्रेटर बोल दो आप इसको ये 1 से ग्रेटर है और साइन एक्स आपका 1 से लेस है तो ये सेकंड ब्रैकेट ऑलवेज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव क्वांटिटी को जब जीरो में शिफ्ट करोगे तो साइन को चेंज करना है चेंज। तो सिंपल हो गया इसके बाद क्वेश्चन ये साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स माइनस साइन 1 ग्रेटर देन 0 देन साइन एक्स ग्रेटर देन साइन 1 आ गया साइन एक्स ग्रेटर देन साइन 1 तो आपको ओनली 0 से पाई बाई 2 में चेक करना है कि साइन एक्स की वैल्यू साइन 1 से कब ग्रेटर होगी सॉरी इक्वल टू लगाना है तो देखें 0 से पाई बाई 2 करना है तो सिंपल हो गया फिर तो ये देखो साइन 1 का मीनिंग क्या है 1 का मीनिंग 57 डिग्री तो ये लो जब x को 1 लोगे तो दिस इज साइन 1 और साइन एक्स की वैल्यू को साइन 1 से ग्रेटर लेके आना है आपको इसका मीनिंग ये वाला पार्ट होना चाहिए अपने आंसर साइन एक्स आपका साइन वन से ग्रेटर कब होगा जब एक्स वन से पाई बाई टू के बिटवीन होगा एक्स बिलोंग्स टू इक्वल टू है तो वन पे भी इक्वल टू लगा दो और पाई बाई टू पे तो इक्वल टू ले सकते हैं ना क्योंकि साइन पाई बाई टू इज वन होगा तो आंसर क्या आएगा इसका वन से पाई बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो देखो इसके अकॉर्डिंग वन से पाई बाई थ्री ये भी ठीक है आंसर क्योंकि 60 हो गया ना क्योंकि 57 से 90 है एक करेक्ट ऑप्शन तो इसका फर्स्ट हो सकता है जीरो से पाई फोर ये तो रोंग है क्योंकि ये तो 45 डिग्री है जबकि वन से ग्रेटर चाहिए आपको तो और एक ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा बिल्कुल तो इसका आंसर हुआ अच्छा ये तो वैसे वन से ये इसमें कुछ पार्ट वन से लेस भी नहीं तो वो उसके अंदर नहीं वन से लेस तो सॉरी वन से लेस है ये वन से लेस है तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड थर्ड। ओके बच्चों ये थे 20 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक के और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय थैंक यू।